अब पहला क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू के हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं नीट के। पहला क्वेश्चन है पार्टीशंस ऑफ टेस्टिस डेवलप फ्रॉम। टेस्टिस का जो पार्टीरेशन होता है, जैसा कि आपको पता है टेस्टिस क्या है, टेस्टिस ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आप सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गन जो है इसका नाम है टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जो है पार्टीशन इनका टेस्टिस का जो होता है, जैसा कि आपको पता है जब टीएस ऑफ टेस्टिस लिया जाता है, यानी कि टेस्टिस का हम ट्रांसवर सेक्शन लेंगे, और ट्रांसवर सेक्शन लिए बाद हमें यहाँ पर उसके तीन अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगे, और ये तीन अलग अलग लेयर्स जो है ट्यूनिका अल्बिजिनिया है, ट्यूनिका वस्क्युलोजा है, ट्यूनिका वेजिनेलिस है। तो इस तरीके के तीन लेयर दिखाई देंगे। तो ये वही बता रहा है कि टेस्टिस कहाँ से डेवलप होता है, या उसका डिवाइडेशन हम कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि पार्टीशंस जो हो रहा है टेस्टिस का, ये तीन अलग अलग लेयर्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। जो पहली लेयर है जिसका नाम है ट्यूनिका अल्बिजिनिया, ये फर्स्ट लेयर है जहाँ से ये आंसर भी है कि पार्टीशंस ऑफ टेस्टिस ट्यूनिका अल्बिजिनिया से ही होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूनिका अल्बिजिनिया। उसके बाद अगर बात करें हम ट्यूनिका वस्क्युलोजा, ट्यूनिका वस्क्युलोजा जो ये है, ये जो फॉर्म करता है, इट फॉर्म द रेटे टेस्टिस, जैसा कि आपको पता है नेटवर्क लाइक टेस्टिस, या फिर आप कहेंगे नेटवर्क लाइक लाइनिंग जो कि टेस्टिस में आती है, उसका नाम है ट्यूनिका वस्क्युलोजा, और जो नेटवर्क लाइक लाइनिंग है उसका नाम है रेटे टेस्टिस, जिसको हम रेटे टेस्टी कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये लेयर है, ठीक है। ये तीनों भी जो है ये एक डिवाइडेशन के लेयर है, ये तीन पार्ट है। ट्यूनिका अल्बिजिनिया क्या है, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ से टेस्टिस जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद ट्यूनिका वस्किलोजा जो है ये फॉर्म करती है रेटे टेस्टिस, और ट्यूनिका वेजिनेलिस है ये कवर्स करती है ऑल ओवर द बॉडी। ट्यूनिका वेजिनेलिस ये ऑल ओवर द बॉडी को फॉर्म करेंगी, ठीक है। उसके बाद ये इपिडिडाइमिस जो लेयर रहती है, जहाँ से आप कहेंगे स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो होता है ये एक्चुअल में रेटे टेस्टिस जो रहते हैं लास्ट में ये फॉर्म करते हैं इपिडिडाइमिस नाम की लेयर रेटे टेस्टिस, और यही इपिडिडाइमिस जो होता है ये बाद में क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है, जो कि हम कहेंगे ये मेल गैमेट, ये एक एक टाइप का मेल गैमेट होता है, ठीक है। तो यही जो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो रहता है ये रेटे टेस्टिस के आगे, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक रेटे टेस्टिस भी दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी आपको, तो ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म करेगा मेल गैमेट्स के अंदर, ठीक है। तो मेल गैमेट्स स्टोरेज ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स कहाँ से, रेटे टेस्टिस से, ठीक है। स्पर्म सेल का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन स्टोरेज करेगा, कौन, रेटे टेस्टिस। और ट्यूनिका वेजिनेलिस ये जो लेयर है ये क्या करेंगी, कवर्स ऑल ऑल टेस्टिस बॉडी, ये कवर करेंगी ऑल दी टेस्टिस बॉडी, यानी कि टेस्टिस के बॉडी को, टेस्टिस के कवरिंग को, जब हम टीएस ऑफ कवरिंग, टीएस ऑफ टेस्टिस देखेंगे उसके अंदर हम अच्छी तरीके से देख लेंगे कि जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है वो किस तरीके से स्टोरेज ये कवर करेगा ऑल द टेस्टिस। तो आपको ये डायग्राम में से समझना होगा कि एक्चुअल में पार्ट कौन से है, या फिर आप कहेंगे कि इस डायग्राम के थ्रू आपको जो क्वेश्चन मार्क इस तरीके का आएगा, आपको पहले डायग्राम समझनी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर डायग्राम आपको दिए वाली होगी, जैसा कि ये जो फिगर है, ये फिगर जो है ये टेस्टिस की है, टीएस ऑफ टेस्टिस की है, ट्रांसवर्स सेक्शन की, और यहाँ पर बताया गया है कि राइट द फंक्शन ऑफ क्वेश्चन मार्क इन अ डायग्राम, फंक्शन क्या है, ठीक है। आपको नाम नहीं पूछा गया है उसका, डायरेक्ट फंक्शन। तो आप पहले देखिए, इट इज फॉर्म मीडिया स्टीनम कैविटी, दूसरा ऑप्शन इट कवर्स द होल टेस्टिस, इट कंटेनिंग द टेस्टिस लाइनिंग,
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, इट इज फॉर्म मीडियास्टिनम कैविटी। ये क्या करेगा, मीडियास्टिनम कैविटी का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर देखे हमने तो कैप्सूल जो होता है, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे टिनिका अल्बिजिनिया, इससे पहले देखे थे हमने, वो जो होता है मीडियास्टिनम कैविटी को फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। दूसरा है इट कवर्स द होल टेस्टिस, ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे टेस्टिस को कवर होल करेगा, या फिर आप कहेंगे पूरे टेस्टिस को कवर करेगा। यस, देयर इज अ, ये फंक्शन है टिनिका अल्बिजिनिया का, टिनिका अल्बिजिनिया। अब टिनिका अल्बिजिनिया प्रेजेंट कहाँ पर है, तो टिनिका अल्बिजिनिया जो है वो प्रेजेंट हेयर है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, और उसका फंक्शन है इट कवर्स द, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, इट कवर्स द होल टेस्टिस। इट कंटेनिंग टेस्टिस लाइनिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वास डिफरेंस में आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, आगे रेटेड टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन ये एक हार्मोन है, ये एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करने का काम करेगा। तो ये हार्मोन एग्जैक्टली सीक्रेटेड कहाँ से होता है, ये हार्मोन एग्जैक्टली सीक्रेटेड कहाँ से होता है, इसका सिक्रेशन कहाँ से है। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन दिए वाले लीडिंग सेल्स, ऑप्शन बी सर्टोली सेल्स, ऑप्शन सी पिटिटरी ग्लैंड, या ऑप्शन डी टेस्टिस। अब देखिए अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले आपका ध्यान टेस्टिस पर जाएगा। टेस्टिस ये जो है ये पेयर्स में प्रेजेंट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पेयर्स में प्रेजेंट होने की वजह से ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। लेकिन ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट इट इज अ फॉर्म, ये फॉर्मेशन क्या करेंगे, ये एक्चुअल में फॉर्मेशन जो करते हैं टेस्टिस का काम रहता है, जो गैमेट मेल गैमेट स्पर्म सेल जो रहते हैं, ठीक है, इनको क्या करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे, इनको क्या करेंगे, ये तैयार करेंगे, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ये तो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे ओवरऑल बॉडी को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। और उसके बाद जो आपको सर्टोली सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स अगर आप टीएस ऑफ टेस्टिस में देखेंगे तो सर्टोली सेल्स जो रहते हैं इसके अंदर लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, लीडिंग सेल को तैयार करेंगे, और यही लीडिंग सेल्स आगे जाकर ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए लीडिंग सेल। ओके, लीडिंग सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करना, इट इज अ फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स। जो है वो अराइज होगा कहां से होगा, ऑप्शन ए कॉडाई पिडीडाइमिस, ऑप्शन बी कैप्यूट पिडीडाइमिस, ऑप्शन सी कॉर्पस पिडीडाइमिस, और ऑप्शन डी रेटेड टेस्टिस। सबसे पहले तो हमें रेटेड टेस्टिस क्या है ये पता चल गए, रेटेड टेस्टिस क्या हो गए, ये जो रेटेड टेस्टिस है ये ओरिजिनेटेड करेंगे इपिडीडाइमिस को, रेटेड टेस्टिस जो है वो ओरिजिनेटेड करेंगे इपिडीडाइमिस, और इनका काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ओके, ये तो चीज हमें समझ में आ गई, यानी कि वास्ट डिफरेंस रेटेड टेस्टिस को से अराइज होगा क्या, नहीं, इसके अपोजिट में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस रेटेड टेस्टिस क्या करती है, इपिडीडाइमिस का फॉर्मेशन करती है, और इपिडीडाइमिस स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है, ठीक। उसके बाद कॉर्पस इपिडीडाइमिस, ये तो क्या हो गया, कॉर्पस इपिडीडाइमिस ये पूरी बॉडी हो गई, इपिडीडाइमिस की जो बॉडी है वो कॉर्पस इपिडीडाइमिस हो गया, और कैपिट इपिडीडाइमिस क्या हो गया, तो ये इसका हेड हो गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वास्ट डिफरेंस जो अराइज हो रहा है वो अराइज होता है कॉडा इपिडीडाइमिस से, कैसे अराइज होगा, वो अराइज होगा कॉडा इपिडीडाइमिस से। अगर आप देखेंगे रेटेड टेस्टिस तो आपको सबसे अभी डायग्राम निकाल लेते हैं, अपर साइड में, ठीक है, एकदम अपर साइड में आपको वास डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है, जो एक्चुअल में ओरिजिनेटेड हो रहा है कहां से, कॉडा इपिडीडाइमिस से, ठीक है, कॉडा इपिडीडाइमिस से क्या होगा, ओरिजिनेटेड होगा। कैप्यूट इपिडीडाइमिस क्या है, ये इपिडीडाइमिस का हेड है, इपिडीडाइमिस क्या है, जिस जो रेटेड टेस्टिस से ओरिजिनेटेड हो रहे हैं और स्टोरेज ऑफ स्पर्म तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और ये इसके पार्ट हो गए फिर।
ये हेड पार्ट हो गया, ये बॉडी पार्ट हो गया कॉर्पस का, और कॉडा इपिडिडाइमिस क्या है, कॉडा इपिडिडाइमिस ये ओरिजिनेटेड करेगा, अराइज करेगा वास डिफरेंस को। Catecholine glands occurs in number one option female and helps in lubrication, option B female and produce estrogen, option C male and form liquid part, option D male and producing alkaline producing urethral gland। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये Bartholin glands जो है एक्चुअल में ये फीमेल में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन फीमेल। ठीक है, कहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ये फीमेल में रहेंगे, इस वजह से ये दो ऑप्शन यहां पर चले गए। ठीक है, रिमूव हो गए। अब देखिए यहाँ पर फीमेल एंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ये एक ऑप्शन रहा, और दूसरा है फीमेल एंड प्रोड्यूस, इसमें ऑप्शन ए फीमेल एंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ठीक है, फीमेल्स में ये Bartholin glands प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के अंदर जो हम देखेंगे एक सेल लुब्रिकेट करने के लिए ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, ठीक है, अंदर अगर हम बात करें तो ये फीमेल के अंदर लुब्रिकेशन के लिए, मतलब लुब्रिकेशन यानी कि क्या, फ्लूइड सिक्रेशन के लिए ये मदद करते हैं, दैट इज नोन एज Bartholin gland। अब देखो स्पर्मियोजेनेसिस ये एक प्रोसेस है जहां पर आप कहेंगे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पर्मेटिड जो सेल्स होते हैं, या फिर आप कहेंगे स्पर्मेटिड फॉर्मेशन होगा स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म तैयार होगा, स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस ऐसी है कि स्पर्मियोजेनेसिस एक इमैच्योर स्पर्म का, स्पर्मेटिड का तैयार करेंगे। ठीक है, इमैच्योर यानी कि अभी वो मैच्योर नहीं हुए हैं। ठीक है, फिर वो इमैच्योर से क्या हो जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में जाकर वो स्पर्म सेल मैच्योर तैयार करेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंशिएशन ऑकर्स होता है ये कौन से हार्मोन से होता है, पहले तो FSH है, दूसरा LH, तीसरा प्रोजेस्टेरोन और पैराथायरॉइड हार्मोन। देखिए आप चार ऑप्शन दिए वाले, इसमें से सबसे अलग यानी कि आप कहेंगे कि उसका कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि वो चार MCQ में होना चाहिए था, बट वो है। तो सबसे अलग जो है वो है पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है, व्हाट इज द पैराथायरॉइड हार्मोन, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल का बैलेंस करने के लिए काम करता है, इट मेंटेन्स कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, व्हाट इट्स फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, इट मेंटेन द कैल्शियम्स इन अ ब्लड। After that progesterone, what is the progesterone, it secretes the female hormone। ठीक है, ये एक टाइप का फीमेल हार्मोन है। ठीक है, और इसका और स्पर्मियोजेनेसिस का कोई भी एक रिलेशन नहीं है, कोई भी इसका संबंध नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरॉन तैयार करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन तैयार होता है। ठीक है, ये उसको फॉर्मेशन करेगा, इसका भी यहाँ पर कुछ कनेक्शन नहीं है। और लास्ट में बच गया है FSS, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर, उन ग्राफियन फॉलिकल फीमेल के अंदर और मेल के अंदर जो स्पर्म सेल्स का रिलीज होता है, ये दोनों में म्यूचुअली काम करेगा। कौन, फीमेल के अंदर और ये मेल के अंदर भी म्यूचुअली काम करेगा, कौन, FSH हार्मोन। में आ जाएगा कि ये ह्यूमन स्पर्म की डायग्राम। तो ठीक है, तो फाइंड द नेम ऑफ गिवन डायग्राम, इसका नाम बताना है। नंबर ए के ऑप्शन थिक फाइबर, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या एक्रोसोम। अब क्वेश्चन मार्क जहां पर दिखाई दे रहा है आपको उसका नाम, लेकिन अगर आप गौर से अगर डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, जिसको आप जूम करके देखिए तो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। बता सकते हैं आप ये टाइप को क्या कहते हैं, ठीक है, करेक्ट, आपने बराबर सोचा, ये सेंट्रियोल है। ठीक है, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, दैट इज सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल हमें फाइंड करना है, अगर ये सेंट्रियोल है ऑप्शन में तो इट इज करेक्ट, सिंपल है। ठीक है, और ये बाकी के जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, हेड है, ठीक है, थिक फाइबर है, एक्रोसोम है। ठीक है, एक्रोसोम हेड के पार्ट के पास का जो रहेगा पोर्शन, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्रोसोम। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है इससे पहले हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ये है कि सिर्फ जो आप कहेंगे कि ये स्पर्मेटिड जो रहता है उनको फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्पर्म सेल को फॉर्मेशन करेगा क्या, नहीं,
स्पर्म सेल को जो फॉर्मेशन करेगा वो है, उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखें तो स्पर्मेटिड है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, स्पर्मेटिड, ऑप्शन ए चेंज इनटू स्पर्मेटोजो, ऑप्शन बी स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटिड, ऑप्शन सी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू स्पर्मेटोजोआ, या डोरमेंट स्पर्मेटोजोआ बिकम एक्टिव। तो स्पर्मियोजेनेसिस ये प्रोसेस क्या है, जहां पर स्पर्मेटिड चेंज होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, और स्पर्मेटोजोआ आगे चल के स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस में करेक्ट आंसर इसका है स्पर्मेटिड चेंज इनटू द स्पर्मेटोजोआ।